इन 40% महिलाओं को कहाँ दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जहाँ इनको 5 सीटें भी नहीं मिलनी है। अभी इतने चुनाव हुए, असम में हुआ, अब हम देखेंगे पंजाब में कितनी महिलाओं को देते हैं, कर्नाटक में हुआ, आपके जगह जगह चुनाव हुए, कितनी महिलाओं को टिकट इन्होंने दिया? 10 से 12%। हमारे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव, कितनी महिलाओं को टिकट दिया? अरे जो महिलाएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए, उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की उसके लिए, मुझे भी अपमानित किया। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों छोड़ दिया? जो लोग पार्टी के लिए लड़ते थे गर्दिश के समय में भी, जबकि कुछ नहीं था, वो पार्टी छोड़ छोड़ के महिलाएं, एक नहीं हम तो 3 नाम आपको दिए हैं, इस तरह सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तो ये तो स्पष्ट है कि हमारी जैसी महिलाओं को वहाँ पर लगता है कि सिर्फ शोषण किया जाता है राजनीतिक। ऊपर फिर आ जाइए, जब महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अन्याय होता है तो इन्हें सिर्फ वहीं नज़र आता है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या विपक्ष की सरकार है। इतना ज़्यादा महिलाओं के प्रति अत्याचार राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, या महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, ये पंजाब में हुआ। कहाँ जाते? कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं बोलते। विपक्ष में होता तभी बोलते। इनको महिलाओं का दर वहीं दिखता है जहाँ विपक्ष हो, इनको महिलाओं को सीट वहीं देनी है जहाँ हारना है, जीत वाली सीट पर नहीं है। दे देना अमेठी में और रायबरेली में महिलाओं को सीट। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों का सिर्फ शोशेबाजी है, और इनको मालूम है कि बुरी तरह से हारना है उत्तर प्रदेश में। और किससे किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर महिलाओं को किसी ने सेंटर स्टेज दिया है तो मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर आपको याद होगा तो सुषमा स्वराज जी के समय में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पार्टी के अंदर हो गया था। आज पार्टी के स्तर पर महिलाएं विद्यमान हैं। सबसे ज़्यादा स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा अगर महिला मंत्री कभी बनी केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। आज अगर पद्मश्री मिलता है तो गांव में काम करने वाली महिलाओं को खोज खोज के और उनको उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए